आज सभी का ई लेसन में स्वागत है। हेलो, नमस्कार। आज सभी का ई लेसन में स्वागत है। आज का टॉपिक है क्रिस्टल इम्परफेक्शन यानी क्रिस्टलीय दोष। इन रियल सॉलिड क्रिस्टल्स, रियल क्रिस्टल नेवर परफेक्ट, देयर आर ऑलवेज डिफेक्ट्स। कंट्रोलिंग द डिफेक्ट इज वन ऑफ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिक मेटल्स। Defects influence the electrical and mechanical property of solids. In fact, it is defects that are usually responsible for existence of useful property. Adding alloying element to a base metal is one way of introducing a crystal defect. It is important to have knowledge about type of imperfection that exist and role they play in affecting the behavior. अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ वो दोष रहित नहीं होता, उसमें सदैव ही दोष पाया जाता है। अब इन दोष को नियंत्रण करना या उनकी क्वांटिटी को कम ज्यादा या उनका परसेंटेज को नियंत्रित करना यह अति आवश्यक है। और डिफेक्ट जो है वो हमारे पदार्थ की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी को प्रभावित करते हैं और ये हमारी आवश्यकता अनुसार हम उस डिफेक्ट को कम या ज्यादा करके हमारे हिसाब से हम उसमें प्रॉपर्टी, पदार्थ की प्रॉपर्टी में परिवर्तन करते हैं जो हमारी आवश्यकता है। और एलोइंग जैसे हम कोई सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं यानी कि हम मिक्स अलॉय तैयार करते हैं, तो अलॉय तैयार करते हैं तो मेटल में मेटल को मिक्स करते हैं या मेटल के साथ में किसी दूसरे नॉन मेटल मिक्स करते हैं या एक मेटल बेस मेटल के साथ में एक या दो या उससे ज्यादा अलॉय एलिमेंट्स को हम उसमें ऐड करते हैं, यानी कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम उसमें एक क्रिस्टल डिफेक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन वो हम क्योंकि क्योंकि आवश्यकता अनुसार आवश्यक होता है उसकी प्रॉपर्टी एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो इसलिए जरूरी है कि इम्परफेक्शन जो होता है उसके कारण से कौन कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज होता है। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल चार तरीके के होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। पॉइंट में ना उसका क्षेत्रफल होता है, ना उसकी कोई डायमेंशन होती है और ना उसका कोई आयतन होता है। तो जीरो डायमेंशन यानी कि किसी धातु के अंदर सभी परमाणु जो है एक ही आकार के होंगे और उनमें से कोई परमाणु अपने जगह से हट जाए तो वैकेंसी डिफेक्ट, पॉइंट वैकेंसी डिफेक्ट कहलाएगा। और उस परमाणु जगह उसी के लगभग समान, उससे थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा दूसरे किसी धातु या धातु परमाणु आकर के व्यवस्थित हो जाए, उस जगह पर आकर के बैठ जाए, तो वो हमारा कहलाएगा इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट। अब उसका आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में। वन डायमेंशन लीनियर डिफेक्ट, इसका मतलब यह कि किसी धातु के अंदर एक लाइन पूरी की पूरी सीक्वेंस के अंदर वो पूरी किसी दूसरे धातु या अधातु के प्रमाण से प्रतिस्थापित हो जाए तो उसको अपन देखेंगे तो हमको एक नजर आएगा लीनियर डिफेक्ट। इसे टू डायमेंशन यानी कि एक सरफेस पे एक सरफेस एक सरफेस पे वो आपका हो जाएगा सरफेस जिसकी लेंथ और विड्थ होगी। और थ्री डायमेंशन में वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स होंगे, जैसे कैविटी हो सकती है, इंक्लूजन हो सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सचित्र उसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पॉइंट डिफेक्ट। जीरो डायमेंशन डिफेक्ट्स अकरिंग इन अ सिंगल लैटिस पॉइंट एंड पॉइंट डिफेक्ट्स आर वेयर एटम इज मिसिंग और इन ए रेगुलर प्लेस ऑफ इन द लैटिस स्ट्रक्चर। परफेक्ट क्रिस्टल विद रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट। देयर आर ऑलवेज डिफेक्ट एंड मोस्ट कॉमन डिफेक्ट आर पॉइंट डिफेक्ट्स। दीज आर स्पेशली ट्रू एट हाई टेंपरेचर व्हेन एटम्स आर फ्रीक्वेंटली एंड रैंडमली चेंज देयर पोजीशंस एंड लीविंग बिहाइंड एम्प्टी लैटिस दैट कॉल्ड वैकेंस। अब यहां आपके सामने जो है इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक एटम मिस है और ये एटम निकल के यह एटम यहाँ चला गया है। इसके बाद में यहाँ देख रहे होंगे एक दूसरा एटम और है जो ओवरसाइज है, जो उसके रेगुलर एटम से बड़ा है। एक एटम आपको यहाँ पे लोअर साइज नजर आएगा जो रेगुलर एटम। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस पूरे वॉल्यूम के अंदर यहाँ से एक एटम मिस है, तो ये कहलाएगा आपको वैकेंसी डिफेक्ट। ये एटम इस लैटिस के अलावा जहाँ वैकेंसी है वहां जाकर शिफ्ट हो गया, रेगुलर पैटर्न में नहीं है, इरेगुलर पैटर्न। ये कहलाएगा सेल्फ इंटेंसिटी। सेल्फ इसलिए क्योंकि यही एटम इसी साइज का इसी एटॉमिक वेट का एटम जहां चला गया, इसलिए सेल्फ। अब दूसरे मेटल या नॉन मेटल का कोई एटम आकर के यहां या तो ये या ये यहां देख रहे हो ये ओवर साइज है, ये अंडर साइज है रेगुलर एटम। तो ओवर साइज यदि रेगुलर जगह पे आकर लैटिस के अंदर अपनी जगह कैप्चर करता है या लेता है तो वो कहलाएगा इम्प्योरिटी सब्स्टिट्यूशन। यदि
अदर मेटल या नॉन मेटल आइटम आकर के लैटिस के बीच में जो वेकेंट स्पेस है, खाली जगह है, वहां क्या लेता है तो कहलाएगा इंप्योरिटी इंटरस्टिशियल, यानी लैटिस में नहीं है तो इंटरस्टिशियल, लैटिस के बीच में आकर के और एटम को रिप्लेस करता है तो कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी आपको कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है डिफेक्ट्स के, ये फ्रेंकल डिफेक्ट होगा, ये आपका स्कॉटी डिफेक्ट होगा। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ये किसको शो कर रहा है, वैकेंसी को, ये किसको शो कर रहा है आपको पता है, इंप्योरिटी इंटरस्टिशियल, क्योंकि एटम साइज में दोनों में अंतर है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दो एटम यहाँ बीच में फंसे हुए स्मॉल साइज, ये डिफेक्ट जो है आपके फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ ही अब आता है हमारा लाइन डिफेक्ट, वन डायमेंशन डिफेक्ट। क्यों? तो यहाँ देख लोगे आप एक लाइन है, ये एटम्स की यहाँ आके मिस है, तो ये एज डिसलोकेशन कहलाएगा। इसको थोड़ा इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा रखा है एज डिसलोकेशन, यहाँ पे भी दिखा रखा है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसको गौर से करें, जो मैं सर्कल बना, देखें आप यहाँ पे देख लोगे ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है और यहाँ लेंथ दिख रहा है, तो यानी कि जो स्क्रू को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब टर्न करते हैं उस पैटर्न में ये स्लाइड होता है, तो ये स्क्रू डिसलोकेशन कहलाएगा। और पुश करते हैं उसके बाद, जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको ये एक तरफ इधर खींचा जा रहा है, इधर खींचा जा रहा है, उसके कारण से जो डिसलोकेशन क्रिएट होगा वो आपके डिसलोकेशन कहलाएगा ये। और इसके कारण से टर्न करते हुए ट्विस्ट करते हुए आप इसको करेंगे तो ये आपका स्क्रू डिसलोकेशन कहलाएगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, सरफेस डिफेक्ट टू डायमेंशनल प्लेनर करें, ग्रेन बाउंड्रीज एंड ट्विन बाउंड्रीज। ग्रेन बाउंड्री नीचे आपको जो फिगर दिखा रहा है, इन ग्रेन बाउंड्री क्रिस्टल सॉलिड्स आर यूजुअली मेड ऑफ नंबर ऑफ ग्रेन सेपरेटेड बाय द ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्री आर सेवरल एटम्स डिस्टेंस वाइड एंड देयर इज ए मिसमैच ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेन्स और अदर साइड ऑफ बाउंड्री। यहां देख लो इसका जो ओरिएंटेशन एटम्स का इस तरीके से, इसमें पोर्शन में एटम का जो ओरिएंटेशन है इस तरीके से, इसमें जो ओरिएंटेशन एटम का ये है, इन सबको देखो तो इनके बीच में एंगल है, तो ये आएगा आपका ग्रेन बाउंड्री। इसके बाद हम आते हैं ट्विन बाउंड्रीज। ट्विन बाउंड्रीज अकर इन पेयर सच दैट ओरिएंटेशन चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बाउंड्री इज रिस्ट्रिक्टेड बाय अदर। द रीजन बिटवीन द पेयर ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड ट्विन रीजन। ट्विन व्हिच फॉर्म ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रिक्रिएशन आर कॉल्ड एनीलिंग ट्विन, वेयर डिफॉर्मेशन ट्विन फॉर्म ड्यूरिंग द प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस। आपको यहां दिखाई दे रहा होगा ये ओरिएंटेशन है, यहां भी एटम का ओरिएंटेशन है, यहां भी, लेकिन ये शिफ्टेड है और बीच में ये जो पोर्शन है ये आपका कहलाएगा ट्विन बाउंड्रीज। ये इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है ये इसको शो कर रहा है आपके ट्विन बाउंड्रीज डिफेक्ट को, जो कि आपका टू डायमेंशन यानी कि सरफेस डिफेक्ट में आएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और ये आपके सामने है वॉल्यूम डिफेक्ट, थ्री डायमेंशन डिफेक्ट, इसको इंक्लूजन और वॉइड मेनली होता है। और वॉल्यूम डिफेक्ट एंड नेम सजेस्टेड डिफेक्ट इन थ्री डायमेंशन, कोई भी वॉल्यूम का तीनों डायमेंशन लेंथ और विड्थ हाइट भी यदि उसमें वॉल्यूम है, इंक्लूड क्या क्या हुआ, पोर्स है, क्रैक्स है, फॉरेन इंक्लूजन है, अदर फेजेज है, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन दो या तीन फेज हो सकता है और उनके अंदर एक वॉल्यूम फेज में दूसरा फेज यदि अवेलेबल है, या ड्यूरिंग कास्टिंग स्लग्स वगैरह यदि आकर कैप्चर हो गया है, या इनसफिशियंट मॉल्टी मेटल की क्वांटिटी के कारण से जिसमें कैविटी रह गई है, तो इस तरह के जो डिफेक्ट्स आएंगे वो आपके वॉल्यूम डिफेक्ट्स यानी थ्री डायमेंशनल डिफेक्ट्स कहलाएंगे। देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।